हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नेक्स्ट वीडियो सेशन में। और ये मेरा वीडियो जो है एनिमल किंगडम का लास्ट पार्ट है। इसमें मैं आप डिस्कस करने जा रहा हूँ, लास्ट क्लास है क्लास मेमेलिया। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लास मेमेलिया इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने एनिमल किंगडम के सारे टॉपिक, सारे फाइलम्स को डिस्कस कर रखा है। तो जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियोस को नहीं देखा, इससे पहले वाली वीडियो को, तो वन बाय वन करके उन सबको देख लें, ठीक है ना। और जो स्पेशली मैमल्स पढ़ने के लिए आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम जाके आप कॉर्डेट वाला जो वीडियो है उसको देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पाइए तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैमल्स, मैमल्स क्या है, उस अगर हम क्लासिफिकेशन के हिसाब से चलते हैं, ठीक है, तो मैमल्स जो है वो क्या है, यहाँ से समझते हैं। ये एनसीईआरटी का एक फोटो ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं साइड में लिखता हूँ किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। किंगडम्स को मैंने फाइलम में बांटा था, फाइलम हो गया यहाँ पे कॉर्डाटा, फिर कॉर्ड सब फाइलम, मैंने फाइलम कॉर्डाटा को मैंने सब फाइलम पे बांटा था। सब फाइलम में यही था आपका वर्टिब्राटा, ठीक है बच्चों। ठीक नहीं लिख रहा, आप लोग ठीक से लिखना, वर्टिब्राटा। फिर इस सब फाइलम को हम लोगों ने डिवीजन में पा था, नाथोस्टोमेटा। तो फिर नेक्स्ट आ गया आपका डिवीजन, नाथोस्टोमेटा। डिवीजन को फिर हम लोगों ने डिवाइड कर दिया किसमें, सुपर क्लास। तो ये है सुपर क्लास, तो सुपर क्लास है टेट्रापोडा, ठीक है। अब इस सुपर क्लास को हम लोगों ने बांट दिया क्लास, तो आता है सुपर क्लास के बाद सीधे क्लास मेमेलिया, ठीक है, मेमेलिया, ठीक है बच्चों। तो ये देख सकते हो कि ये है आपका एक क्लासिफिकेशंस का एक सिंपल सा, अच्छा लिख नहीं पाया हूँ, बट आप लोग इसको ध्यान में सुनो, किंगडम एनिमेलिया। फिर उसमें हम लोगों ने फाइलम कॉर्डाटा, फिर उसके अंदर है सब फाइलम वर्टिब्राटा, फिर उसके अंदर डिवीजन है आपका नाथोस्टोमेटा, फिर सुपर क्लास है टेट्रापोडा, और उसके बाद उसमें क्लास है आपका मेमेलियास। तो ये हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में सीखा था। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में एम्फीबियन रेप्टाइल्स और एप्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था, मतलब अगर ये 9 नंबर है तो ये 8 नंबर वीडियो था, और ये हम लोग 9 नंबर इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो इसमें एक बार देख लो। ये है 7 नंबर वीडियो जिसमें मैंने बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश को डिस्कस किया है, और बाकी कॉर्डेट्स का ये साइक्लोस्टेमेटा जो है ये 6 नंबर। तो 6 नंबर वीडियो आप लोग देख के तब आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, 9 पे आ सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो तो अब हम लोग इसमें मैमलियन कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को वन बाय वन करके देखते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो ये है आपका एनसीईआरटी वाला है, यहाँ पे मैंने ले रखा है आपका कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर मैंने खुद से बनाया है इसमें। तो वो सारे फीचर जो कि एनसीईआरटी में है और कुछ चीज़ें नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले भैया ये मैमलियन क्या है, तो मैमरी ग्लैंड से इसी को बोला जाता है मैमी, और इस मैमी से बना है मैमेलियंस। तो मतलब ऐसे एनिमल जिसमें क्या होता है, मैमरी ग्लैंड होता है, जिनमें बेस्ट डेवलप होता है। ये सबसे मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो कि मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, दैट इज मैमरी ग्लैंड होता है। और इस मैमरी ग्लैंड से जो मिल्क रिलीज होता है, उससे ये अंग वन को क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है, ठीक है। बिना इसके इनके यंग वंस नरेस्ट नहीं हो पाएंगे, तो उनका फर्दर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया सबसे यूनिक फीचर, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ध्यान में रखना। दूसरा जो है वो है आपका डायफ्रॉम्स, इसका भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। और एक तीसरा है आपका प्रेजेंस ऑफ हेयर, ठीक है। तो अगर किसी मैमल्स को बाहर से अगर पहचानना है, तो ये दो फीचर ले सकते हो, प्रेजेंस ऑफ हेयर और मेमोरी ग्लैंड, जिसके बेसिस पे यू कैन डिफाइन एनी ऑर्गेनिज्म विच हैविंग दीज टू थिंग्स एज ए मैमल्स, ठीक है बच्चों। उसके अलावा और भी कुछ फंडामेंटल करेक्टर हैं, ठीक है। फंडामेंटल देखो, इसमें हेयर के बारे में पता है, मेमोरी ग्लैंड, डायफ्राम जो होता है वो पूरे के पूरे जो एबडोमिनल
पार्ट होता है, एबडोमिनल ग्लैंड्स, एबडोमिनल्स कैविटीज होता है, उसको दो पार्ट में बांटता है, ऊपर थोरसिक और नीचे एबडोमिनल्स, तो यहाँ से पार्ट करता है और इसी के जस्ट ऊपर लंग्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो फीचर है फंडामेंटल में वो है हेवर्शियन कैनाल्स। ठीक है, क्या है हेवर्शियन कैनाल? ठीक है, क्लियर है? एनीवे फिर से सुन लो भैया, इन तीनों का कोई एक्सेप्शन नहीं है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं इसमें हेवर्शियन कैनाल्स, तो ये क्या है, होता है मेमिलियंस बोन्स के अंदर, बोन लॉन्ग बोन्स के अंदर क्या होता है, पैरेलली सो मेनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है विच बेयर द ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, सॉरी ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स। ठीक है ना, दैट्स वाई द बोन इज अ वैस्कुलर स्ट्रक्चर होता है इस हेवर्शियंस, जो कि ये मेमिलियन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। उसके बाद है सेवन सर्वाइकल वर्टिब्री। सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रीज क्या होता है, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो नेक रीजन में जो वर्टिब्री होते हैं उनको बोला जाता है सर्वाइकल वर्टिब्रीज। तो किसी भी मेमल्स में क्या होता है, सात सर्वाइकल वर्टिब्रीज होता है। जैसे मान लो जिराफ ले लेते हैं, तो जिराफ का नेक काफ़ी लंबा होता है, तब भी उसमें कितना, सात ही सर्वाइकल वर्टिब्रीज होता है इसका। ठीक है ना, एक्सेप्शन है जैसे सीकाव एंड सलो स्लोथ है, तो इसमें एक्सेप्शन है, मतलब 6 और 9 हो सकता है बट 7 नहीं होता है। ठीक है, एनीवे तब भी हम इसको फंडामेंटल कैरेक्टर बोलते हैं मैमल्स का। नेक्स्ट उसके बाद है आपका कॉर्पस कैलोशियम्स। कॉर्पस कैलोशियम क्या होता है, देखो जो जो ब्रेन होता है, ब्रेन्स में दो लोब होता है, लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर इस तरह से, और ये दोनों आपस में इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है कॉर्पस कैलोशियम्स के हेल्प से। ठीक है, तो ये जो कि सिर्फ मैमल्स में होता है, तो मैमिलियन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट है स्क्रोटम या स्कोटल शेक। टेस्टिस जो होता है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, एक्सेप्शन इज देयर बट कोई बात नहीं है। तो इस टेस्टिस को होल्ड करने के लिए स्किन का जो फोल्ड होता है उसको बोला स्कोटल शेक, तो ये भी वन ऑफ द मेमिलियन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। और एक्सटर्नल है दैट इज एयर पिना, ये भी मेमिलियन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो कि ये सब फंडामेंटल कैरेक्टर्स में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पे एक फीचर और ले सकते हो, और अभी जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, इसमें क्या होता है लेफ्ट एरोटिक आर्क। ठीक है, लेफ्ट एरोटिक आर्क। ठीक है बच्चों, लेफ्ट एंड राइट एरोटिक आर्क होता है, इसको अगर डिटेल में देखना हो तो आप फ्लूड एंड बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन जो मेरे इसी चैनल पे है उसमें आप जाके देख सकते हो, ढूंढना बहुत आसान है। यूट्यूब चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में सीधे जाओ आपका बॉडी फ्लूड, और बॉडी फ्लूड में जहाँ पे सर्कुलेशन सिस्टम है वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है ना, एनीवे तो ये तो 9 हम लोगों ने बना लिया आपका फंडामेंटल करेक्टर्स। ठीक है, अब आते हैं कि एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है उसमें, तो देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें एनसीईआरटी में है, ये किसी भी हैबिटाट में रह सकते हैं, जैसे कि आइस, पोलर आइस कैप्स हो गया, डिजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केप्स, हर जगह प्रेजेंट हो सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। ये इसमें से कुछ आर एडेप्टिव फॉर द फ्लाई एंड लिव इन द वाटर, जैसे कि आपका व्हेल है, डॉल्फिन है, सी काउ वगैरह हो गया, ये सब पानी में के अंदर भी रह सकते हैं। और ये मोस्ट यूनिक फीचर्स तो पढ़ी लिया हम लोगों ने, मेमोरी ग्लैंड्स किसी भी मेमल्स का। ठीक है, उसके अलावा इसमें भी दो ही पेयर लिम्स प्रेजेंट होता है, जो कि अडोप्टेड है वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, ब्राउनिजिंग, ठीक है ना, स्विमिंग, फ्लाइंग एटसेट्रा, इसके लिए इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अलावा जाओ मेमल्स के स्किन्स जो होता है इसमें हेयर्स प्रेजेंट होता है, तो हेयर जैसा कि हम लोगों ने रेप्टाइल्स पढ़ते समय भी डिस्कस करा था कि रेप्टाइल्स का जो स्केल्स है वो ईपीडर्म में डेरीवेटिव्स होता है, रेप्टाइल्स का जो स्केल्स है बर्ड्स के केस में वो मॉडिफाइड होकर फेदर्स बना लेता है, और बर्ड्स में फेदर बना लेता है, और मेमल्स में यही चीज़ किस में मॉडिफाइड हो जाता है, हेयर्स में। तो ध्यान रखना बच्चों कि हेयर जो है ये भी क्या है, वन ऑफ द क्या है आपका, वन ऑफ द इपीडर्मल डेरीवेटिव। दांत जो है हम लोग में टिथ वो जो होता है ये होता है डर्मल डेरिवेटिव, मेजोडर्म से ड्राइव होता है और ये एक्टोडर्म से ड्राइव होता है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है सारे फीचर्स। नेक्स्ट चलो देखते हैं, नेक्स्ट इसमें है एक्सटर्नल एयर, जैसा कि मेमोरियन करेक्टिव फीचर में बात किया था वो प्रेजेंट होता है, एयर पिना प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब इसमें एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल एयर्स, फिर से एक बार सुन लो, देखो एम्फीबियंस को छोड़ दो, पाइसेस को छोड़ दो, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इनमें एक्सटर्नल एयर नहीं होता, उनमें टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स करता है एयर्स को। ठीक है बच्चों, बट अब यहाँ पे जैसे हम लोग का एयर पीना है तो यहाँ पे एयर पीना डेवलप हो गया है। हाँ, इसका एक्सेप्शन है, तो ध्यान रखना, एक्सेप्ट सीधा देखो, ध्यान रखना
एक्वेटिक मैमल्स, ठीक है, एक्वेटिक मैमल्स जैसे वेल, डॉल्फिन्स, ठीक है ना, इन सब में क्या होता है, एयर पिना अपसेट होता है, ठीक है बच्चों, ये भी एक्सेप्शन में ध्यान रखना। अब आ जाते हैं, इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेंटेशंस प्रेजेंट होता है दांत में, जैसे थिकोडोंट, डायफाडोंट और हेट्रोडोंट्स, ठीक है। थिकोडोंट्स का मतलब होता है कि जो दांत है वो जॉ के अंदर एल्वोलाइज या सॉकेट में फिट होता है, तो जो मेमेलियन टीथ है वो कभी भी हटता नहीं है, मतलब कुछ चबाते खाते समय हटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, ठीक है ना। हेट्रोडोंट, इसमें जो दांत है मैमल्स में वो डिफरेंट टाइप्स का होता है, जैसे स्नैक्स में, स्नैक नहीं छोड़ो, आप जैसे किसी भी रेप्टाइल्स को ले लो, ठीक है ना, तो उसमें, या फिश को ले लो, तो उसमें सारे दांत जो होते हैं एक जैसे होते हैं, मतलब सभी एक जैसे, जैसे इस तरह से पॉइंटेड है तो सब पॉइंटेड है, ठीक है। हेटोडोन्स का मतलब हो गया कि इसमें टीथ अलग अलग होता है, जैसे इंसीजर, कैनायन, ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा प्री मोलर, एंड देन इसके बाद इस तरह से मोलर, चार तरह का टीथ मिलता है, तो इसको बोलते हैं हेटोडोंट। डाइफाइडोंट्स का मतलब होता है कि इस मेमल्स में क्या है कि जो टीथ है वो पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ दो बार ग्रो करता है, समझिए, अगर बहुत बार ग्रो करता है तो उसको पॉलीफाइडोन बोलते हैं, और अगर लाइफ में सिर्फ एक बार ग्रो करता है तो मोनोफाइडोन कहते हैं, और अगर लाइफ में दो बार ग्रो करता है तो उसको डाइफाइडोन कहा जाता है। तो जैसे हम लोगों में क्या होता है, एक दूध के दांत होते हैं और एक उसके बाद टूट के जो परमानेंट टीथ आता है उसको बोला जाता है, तो वो डेसिडुअस टीथ या मिल्क टीथ कह सकते हो, और एक परमानेंट टीथ होता है, ठीक है। बट फिर भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि प्री मोलर, ठीक है, और लास्ट मोलर टीथ जो है ये हम लोगों में मोनोफाइडोंट होता है, जो कि लाइफ में सिर्फ एक बार ग्रो करता है, ठीक है ना। चाइल्ड में क्या होता है, 20 दांत होता है, और जवानी में कितना आपका, 32 दांत आता है, तो कितना एक्स्ट्रा है बच्चों, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 दांत इसमें एक्स्ट्रा है, समझ में आ रहा, आई बात समझ में, ठीक है, 8, 8, 2 प्रीमोलर, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 ये हो गया, और 4 मोलर, 1, 2, 3, 4, 8, 4, 12, 12 दांत इसमें एक्स्ट्रा है, तो 12 दांत जो होता है वो मोनोफाइडोंट होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें डाइजेशन में डिटेल में पढ़ लेना, वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। हार्ट 4 चैम्बर होता है, जैसा कि बताया है, उसमें डबल सर्कुलेशन होता है, सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है इसमें, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कोई नया चीज़ नहीं है। आरबीसी स्मॉल होता है, सर्कुलर होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, और बाइकॉनकेव होता है, ठीक है। जितने भी मेमल्स है उसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, एन्यूक्लिएटेड होता है, कोई एक्सेप्शन नहीं। बाइकॉनवेक्स, इसका एक्सेप्शन है कैमल और लेमा, कैमल और लेमा उनमें बाइकॉनकेव के जगह पे बाइकॉनवेक्स स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियस सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन के लिए जगह ज़्यादा हो जाए, ठीक है बच्चों। होम्योथर्मिक होता है, मतलब कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, एंडोथर्मिक बोल सकते हैं। रिस्पायरेशन लंग्स के थ्रू होता है, एक्सक्रीशंस के लिए किडनी, सारे जितने भी कॉर्डेट हैं, ठीक है ना, स्पेशली वर्टिब्रेट, उसमें किडनी होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। सेक्सेस सेपरेटेड होता है, सेक्सुअल डायमोफिज्म शो करते हैं, और फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होता है इसमें। सेक्सुअल डायमोफिजम्स का मीनिंग मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, जिसमें क्या कह सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकली हम अगर इसमें मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश कर पाएँ, ठीक है, तो हम उसको बोला जाता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। जैसे कि बच्चों मान लो अगर फिश में बात करें, तो रेहू में क्या तुम पहचान सकते हो कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, नहीं पहचान सकते हो, तो वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे मोर और मोरनी, ठीक है, तो उसको आराम से पहचान सकते हो, बर्ड्स में ही है, उसी तरह से सारे मेमल्स सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। विविपेरस होते हैं, इस एक्सेप्शन है सेक्शन, ठीक है ना। विविपेरस का मतलब जित मेमल्स जो होते हैं दे गिव बर्थ टू द यंग वंस, एक्सेप्शन इज देयर, तो उसमें कुछ एग लेइंग मेमल्स भी हैं, ठीक है, क्या है उसको आगे देखते हैं। और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, मतलब कोई लार्वल स्टेज नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो ये तो रहा हम लोगों का मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, जितना था एनसीईआरटी में, प्लस कुछ और एक्स्ट्रा जो चीज़ें डिस्कस करनी थी, मैंने ओवरऑल सारा चीज़ डिस्कस कर दिया है, दैट्स एनफ फॉर योर प्रिपरेशन, योर नीड प्रिपरेशन, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं इसको, हम लोग थोड़ा सा क्लासीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, क्लासीफाई करने से पहले यहाँ पे बीबीपेरस का मतलब यहाँ पे लिखा, एनिमल विच गिव बर्थ टू द देयर यंग वंस इज कॉल्ड विविपेरस, और ओविपेरस का मतलब होता है एग देने वाले, जो भी एग लेइंग होते हैं तो उनको विविपेरस कहा जाता है। बोथ, ठीक है ना, एप्स और मेमलियंस में कुछ कुछ कॉमन है, जैसे कि दोनों क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, और सभी दोनों में क्या होता है, ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है बच्चों, 4 चैम्बर होता है तुम्हारा,
ठीक है। और ये एनसीईआरटी में कुछ आपका डायग्राम दे रखा है, जैसे ये ऑर्निथोरिन्कस है, क्या होता है इसके बारे में आगे देखते हैं। मैक्रोपस, कैंगरूज, और ये हो गया एक्ट्रोपस, और ये बेलेनोप्टेरस है जिसको ब्लू वेल कहा जाता है। एनीवे डायग्राम है, आगे देखो। चलो इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो ये जो फोटो दिख रहा है ये बच्चों मैंने आकाश के पैकेज से ले रखा है, फ़ोटो खींचा उसमें से। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि मैमल्स को भी फर्दर सब क्लासेस में बांट सकते हैं, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया, या इसको हम लोग प्लेसेंटेलिया भी कहते हैं, ठीक है। ये सब क्लास है, ध्यान में रखना। इसमें एक ऑर्डर है मोनोट्रेमाटा, इसमें एक ऑर्डर है मार्सुपेलियास। प्रोटोथेरियंस जो होता है यही क्या है तुम्हारा, एग लेइंग मैमल्स है बच्चों, एग लेइंग्स। तो ये जो भी हैं ये एग देने वाले हैं, और यही एक्सेप्शन था, बाकी सब तो विवीपेरस है, बट ये क्या है तुम्हारा, ओवीपेरस मैमल्स हैं, ठीक है। और ये भी काफ़ी, मतलब जैसा कि फोटो हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे देख सकते हो, ये इसका मुंह डक जैसा लग रहा है और ये पीछे वाला मैमल जैसा दिख रहा है, हेयर जैसा है तुम्हारा, इसलिए इसका नाम ही रख दिया डक बेल प्लेटिपस, या इसको बोला जाता है ऑर्निथोरिंकस। तो ये दो नाम याद रखना, एक ही एग्जाम्पल्स है, ठीक है ना। इसमें मेल जो होता है उसका जो बिक होता है थोड़ा पॉइजनस होता है, ठीक है। दूसरा आता है मार्सुपेलियास, ये ऑर्डर है, और मेटाथेरियंस, ठीक है। इनमें प्लेसेंटा बहुत ज़्यादा वेल डेवलप नहीं होता है, तो इनमें जो डेवलपमेंट चल रहा होता है वो बीज में रुक जाता है, एकदम माइन्यूट सा अनडेवलप्ड एम्ब्रियो रिलीज होता है और उसके पाउच में चला जाता है। मतलब यहाँ पे जो मार्सुपेलियास के जितने भी मेंबर हैं, ठीक है ना, उनके एब्डोमिनल रीजन्स में एक पाउच होता है जिसमें यंग वन को ये पालते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ये दिख सकता है तुम्हारा, रुक जाओ मैं और अच्छे से दिखा देता हूँ। हाँ दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा, एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हो, ये बच्चा दिख रहा है, ठीक है। तो एक पाउच होता है, तो इनको बोला जाता है पाउच्ड मैमल भी कहते हैं, ये खुद से लिख लेना बच्चों, इनको क्या बोला जाता है, पाउच्ड मैमल्स कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल है कैंगरूज या मार्कोपस बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा तमाम एग्जाम्पल्स मिल जाएगा 12th क्लास में, इवोल्यूशन चैप्टर में जाओगे, वुम्ब कैट्स वगैरह वगैरह, ट्रांसमिशंस, वॉक्स वगैरह, पता नहीं क्या क्या, उसमें ढेर सारा एग्जाम्पल्स दे रखा है, तो उस एग्जाम्पल को भी देख लेना, क्योंकि एनसीईआरटी में विथ डायग्राम दिया हुआ है, विथ डायग्राम, ठीक है, तो घबराना नहीं है। दूसरा जाते हैं ट्रू प्लेसेंटल एनिमल्स, प्लेसेंटेलिया। अब इसमें भी कुछ ऑर्डर बांट के रखा गया है, इतना सारा ऑर्डर है, तो थोड़ा सा तो देख लेंगे हम लोग क्या क्या है। पहला है रोडेंटिया, रोडेंटिया द रेटस हो गया, रैट, ठीक है ना। इनमें खास बात क्या होता है कि इनका जो इंसीजर होता है वो कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है, इसलिए वो क्या करते हैं, कुछ भी किताब, कॉपी, कुछ भी कपड़ा वपड़ा कतरते रहते हैं, जिससे वो अपने दांत दांत को उस क्या करें, एक प्रॉपर शेप में रख सकते हैं। उसके बाद आ जाओ कायरोप्टेरास, फ्लाइंग फोर्स, पेट्रोफस बोला जाता है जिसको, ठीक है बच्चों। तो ये फ्लाइंग फोर्स, इसमें खास बात ये है कि इसका जो फोर लिम होता है वो तो मॉडिफाइड हो गया विंग्स में, बट हाइंड लिम्स जो होता है वो आपका वीक होता है, तो ये बैठ नहीं पाते हैं, तो उल्टा लटकना होता है इनको, ठीक है। उसके बाद है अर्थ्रियोडक्टाइलस और प्रेस्योडक्टाइलस, ठीक है ना। अर्थ्रियोडक्टाइलस और प्रेस्योडक्टाइलस, इसमें आपका जो हुप होता है ये यहाँ पे क्या होता है, ये ओड होता है, ओड का मतलब हो गया दो होता है, इस तरह से देखो, जैसे यहाँ पे गाय बैल का जब चलेगा तो उसका जो पैर का निशान है कुछ इस तरह से पड़ता है, और घोड़ा अगर चलता है इक्वस तो इसमें पैर का निशान जो होता है, हुप जो होता है वो इस तरह से कुछ पड़ता है, ठीक है बच्चों। इसको बोला जाता है ओड अंग्लीगेट्स, और इसको इवेन अंग्लीगेट्स कहा जाता है, मतलब हुफ का जो नंबर होता है यहाँ पे दो और यहाँ पे एक होता है इसमें, और जितना भी गाय बैल भैंस बकरी ये सब एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा। इसमें एक्वस है, हॉर्स है, डंकी है, और राइनोज वगैरह भी आ जाएगा, राइनोसेरस जो होता है वो सारे एग्जाम्पल्स इसमें भी आ जाएगा, ठीक है, लिख लेना तुम लोग। नेक्स्ट है प्रोबोसिडा, एलिफेंट, इसमें क्या होता है, प्रोबोसिस मतलब सूंड डेवलप होता है, हाथी के जैसा दिखा होगा। सेटेशिया, ये सारे के सारे एक्वेटिक मैमल्स है, बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, तो इसको भी ध्यान रखना, जैसे डॉल्फिन, डॉल्फिनस, लेनो ऑप्टेरस, ब्लू वेल्स, ठीक है, तो ये कॉमन्स है तुम्हारा। उसके बाद कार्निवोरा, तो ये इनमें क्या होता है, कैनाइन जो होता है ये वेरी डेवलप होता है, जैसा कि उनमें जैसे देखो इंसिजर ये हो गया और कैनाइन इस तरह से खूब ज़्यादा अच्छे से डेवलप रहता है, ठीक है। इसमें टाइगर है, लायन है, डॉग है, कैट है, इनका साइंटिफिक नेम भी याद रखना, पेंथरा टाइगरिस, पेंथरा लियो, कैनिस फैमिलिस और फिलिस डोमेस्टिका, ठीक है ना, कैनिस फैमिलिस, ठीक है। लास्ट है प्राइमेट, जो कि सबसे ज़्यादा डेवलप होता है, ठीक है ना।
मतलब इस पूरे मैमल्स में सबसे वेल डेवलप्ड जो प्राणी है वह है प्राइमेट्स होता है, जिसमें मंकी, मक्का और ह्यूमंस, एप्स वगैरह सब आ जाता है। और भी कुछ एग्जांपल्स है बच्चों, देख लो थोड़ा सा, ठीक है? अच्छा, एग्जांपल्स दिया नहीं है। इसमें एग्जांपल्स और बहुत सारे हैं, जैसे तुम्हारा उरांग बुटांग, जिब्बन, गोरीला, ठीक है ना, ऐप, ठीक है ना, ये सब के सब एग्जांपल्स आ जाएगा। तो जितने बंदर और ऐप्स है वो सब डालेंगे। तो यहाँ पे मैं ऐप्स लिख देता हूँ, बंदर तो लिखा ही है, मंकीस, ठीक है, ह्यूमंस है ही है, मन लोग जिसमें जानते हैं, ठीक है। एनीवे, अब कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। एनसीडी का जो भी पॉइंट था वो कंप्लीट हो चुका है, बट कुछ कुछ पॉइंट जिससे क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुका है, ऐसा नहीं कि आएगा, ऑलरेडी आया हुआ है। ब्लू वेल्स जो है ये लार्जेस्ट हैवीएस्ट मैमल्स है इस दुनिया का। एक वर्ड है यहाँ पे इको लोकेशंस, तो बैट, वेल और डॉल्फिन्स ये यूज करते हैं इको लोकेशन। मतलब ये क्या कहते हैं, कुछ साउंड वेव छोड़ते हैं और साउंड वेव स्टोन से टकरा के ये वापस यहाँ पे आ जाता है इनके पास। तो ये साउंड वेव गया और ये साउंड वेव वापस आया, दिख रहा ना, ठीक है? तो इसी को कहा जाता है इसमें, ठीक है। एनीवे, दैट मीन्स ये वन काइंड ऑफ द सोनार सिस्टम की तरह काम करता है, ठीक है, जिससे ये क्या कर सकते हैं, अपने आगे सामने कोई हेडल या कोई ऑब्जेक्ट आ रहा तो उसको आराम से जान जाएंगे, ठीक है, सेंस कर पाएंगे उसमें, ठीक है ना। तो बैट ऐसे भी देख नहीं पाता है, तो ये इसी इकोलोकेशन के बेसिस पे चलता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट उसके बाद है मैमल्स का तो पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब कुछ कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा आप लोगों को बता देता हूँ, जो कि पहले बता देना था लेकिन उसमें समय के कमी के वजह से मैंने इसको इसमें डाल के रखा है। ट्रू फिश एंड फॉल्स फिश, ठीक है। तो ट्रू फिश का सिंपल सा मीनिंग है जो कि आपके सुपर क्लास स्पाइसेस से बिलोंग करते हैं, या क्लास कॉन्डिपथिस और ऑस्टियोथिस, मतलब बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश से बिलोंग करते हैं, वो सब के सब ट्रू फिश हैं। इसके अलावा और फिश वर्ड कहीं भी आया हो, सबके सब फॉल्स फिश है। तो ये कुछ लिस्ट है यहाँ पर फॉल्स फिश का, जैसे जेली फिश, सिलेंटेट है, ऑरेलिया, क्रे फिश, एस्टेफकस ऑर्थ्रोपोडा, सिल्वर फिश, लेपिस्मा ऑर्थ्रोपोडा, तो ये सब क्या है, फॉल्स फिश है। कटल फिश, शेपिया, डेविल फिश, ऑक्टोपस, ये मोलस्क है, ठीक है। उसके अलावा सेल फिश, ऑस्टर्स या मोलस्क है, ये भी एक मोलस्क है, बाकी छोड़ दो, ठीक है। स्टार फिश, एस्टेरियस, इकानोडर्माटा, हेग फिश, मैगजीन्स, साइक्लोस्टोमेट्स और वेल फिश, ये मैमल्स हैं, ठीक है ना, ब्लेनोप्टेरास। तो ये सब के सब क्या है बच्चों, ये पूरा लिस्ट है फॉल्स फिश का। तो इसमें याद रखना, जेली फिश, क्रे फिश, सिल्वर फिश, कटल फिश, ठीक है, डेविल फिश, सेल फिश, हैग फिश और ये आपका वेल फिश, ठीक है। तो इतना ही है जो कि ये सब के सब फॉल्स फिश है, ठीक है। मतलब फिर से कि अगर सुपर क्लास स्पाइसेस से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे कि रेहू, कतला, ठीक है ना, हिपोकैम्पस, ये सब के सब क्या है, ये ट्रू फिश है, बाकी सब यहाँ पे फॉल्स फिश है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आ जाते हैं, और ये लास्ट है हमारा इस वीडियो का, लास्ट स्लाइड है, ठीक है, कि जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था पूरा, ठीक है, अब फ्रॉम द कहाँ से लेके, पोरीफेरा से लेके कॉर्डेट तक जो भी पढ़ा था, तो ये एनसीईआरटी के लास्ट में दिया, वहां से देख लेना, यहाँ पर पता नहीं दिख रहा कि नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे कंपेरेटिवली सारे फीचर्स को डिस्कस किया गया है, जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सिलोम, सिगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम्स, और कुछ अगर डिस्टिंग्विश फीचर है तो उनको देख लेना है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो याद हो ही गया होगा ऑलमोस्ट, इसको यहाँ से याद कर लेना है। जैसे सिंपल सा देखो, सिलोम तो पहले पोरीफेरा में नहीं है, सिलेंटेटा में नहीं है, सिप्टेनोफोरा में भी नहीं है, प्लेटिहेलमिंथ में नहीं है, प्लेटिहेलमिंथ डिप्लोब्लास्टिक हो चुका है, अब इसके लिए में सीरो सिलोम, अब इसके बाद सब के सब सिलोम है, ठीक है, कोई नया चीज़ नहीं है। उसी तरह से तुम्हारा सेगमेंटेशन सिर्फ तीन में था, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेट, तो इन तीन में बस मिलता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से तीन को याद रख लेना है। हाँ, अब थोड़ा सा डिस्टिंग्विश फीचर्स को मैं देख लेता हूँ, बाकी सब तो कॉमन है, कोई चीज़ नहीं है। देखो, पोरीफेरा में बॉडी में क्या होता है, पोर होता है, वेरी गुड, ठीक है, पोरीफेरा पोर्स होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है।
और इसमें कैनाल भी होता है, ठीक है, ये भी ठीक है। नीडोब्लास्ट में निडेरियंस, नीडोब्लास्ट सेल्स, निडेरियंस में नीडोब्लास्ट सेल्स एक प्रेजेंट होता है, स्पेशल है। उसके बाद टिनोफोरा में कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होता है, लोकोमोशंस के लिए वेरी गुड। प्लेटेलमेंट बॉडी जो होता है फ्लैट होता है, एंड सकर्स जो होता है जो कि पैरासिटिक एडेप्टेशन को शो करता है। इसमें ये वार्म शेप होता है, वार्म शेप्ड होता है और इलोंगेटेड होता है। बॉडी इसमें सेगमेंटेड रिंग के तौर पे होता है। एनेलिडा में, ऑर्थोपोडा में एक्सोस्केलेटन्स काइटिन्स का बना होता है, ठीक है ना, और ज्वाइंटेड अपेंडिसेस होता है। मोलस्क में आ जाओ, इसमें एक्सटर्नल स्केलेटन्स सेल इजली प्रेजेंट होता है। तो ये पहला था जिसमें इंडोस्केलेटन्स के फॉर्म में, सॉरी इंडोस्केलेटन बोले, इसमें एक्सोस्केलेटन्स के फॉर्म में सेल्स का फॉर्मेशंस हुआ था। देन इकानोडर्माटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम और रेडियल सिमेट्रीज एडल्ट जो होता है ये खास है। हेमिकोडेट वाम लाइक होता है, ठीक है ना। प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक में बॉडी डिफरेंशिएटेड होता है। कॉरिडेट में नोटोकोड्स, डोर्सल होलो नर्व कोड, गिल स्लिट और लिम्स वगैरह एंड फिन्स प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ यूनिक फीचर है, इसको ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये सब चीज़ें मिस करोगे तो मे भी हो सकता है कि क्वेश्चंस में अगर डायरेक्ट आए तो ऑप्शंस बना ना पाओ, क्योंकि उसमें बहुत सारी फीचर तो अलग अलग डिस्कस करा ही है ना, तो उसके बेसिस पे पहचान ना पाओ, ठीक है बच्चों। तो ये तो रहा हमारा कॉर्डेट्स के बारे में, ऑल ओवर जितना था वो सब मैंने कर दिया, और स्पेशली इसमें हम लोगों ने मैमल्स को भी कंप्लीट कर दिया, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, तो ये हमारा ख़त्म हो गया आपका पूरा का पूरा एनिमल किंगडम। कैसा लगा बच्चों आपको? आई होप अच्छा ही लगा होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नीचे जाके कमेंट सेक्शंस में आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, ठीक है ना, मुझे भी मोटिवेट करिए थोड़ा सा, ठीक है। चलो बच्चों, इसके बाद पता नहीं कौन सा वीडियो बनाऊंगा, देखता हूँ मैं प्लानिंग करके। मेरा फोकस है साइटोलॉजी पे, ठीक है ना। आप कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सा मोस्ट वेटेड टॉपिक है आपके लिए, तो मैं उस पर भी गौर कर लूँगा थोड़ा सा, ठीक है ना। उस चीज़ को थोड़ा सा मुझे डिसीजन लेने में ईजी मिलेगा आपको, ठीक है बच्चों। तो जाने से पहले, जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जाने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन्स को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास मेरा नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है ना, समय से आप मेरे वीडियो को देख पाएँ, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप नीट बायोलॉजी के लिए स्टे ट्यून्ड विद अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।